अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? बस ऐसे ही यार, हम तो सैफ बड़े एक्साइटेड होके आए थे कि क्या सीन है। जरा आवाज लगाओ, जरा हमें बताओ कि यार सखर में आए हैं, कोई सीन है यार? ऐसे बहुत अला ये बड़ा मुश्किल है, इसको इस तरफ रखो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सखर मौके लाई प्यार हुआ तहां जे सखर आई पी के मुं समझो त एकड़े नंढे बार का वडो थींदे दिठो आ। जडे निसार साहब हुंदा हुआ तॾहिं मां चईंदो हुयमि, ऐं हिते कुझु सीनियर ज़रूरु हूंदा दोस्त, जेके अॼु या त उस्ताद हूंदा या मैनेजमेंट हूंदा, तॾहिं हुते पढ़ंदा हुया। ऐं मां तॾहिं बि सखर आयो आहियां ऐं हिते परफॉर्म कयो आहे, ऐं सखर सां दिलि आहे इलाही। एंड अॼु सखर में अची करे मूंखे ॿिनि माण्हुनि जी इलाही कमी महसूसु थिए थी पई। हिकिड़ी निसार साहब जी, जिन हेॾो शानदार इदारो तव्हांखे ॾिनो ऐं जंहिंसां पूरो पाकिस्तान हिते पढ़े थो पियो, ऐं हिन इदारे जी सर्विस डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में इलाही यूनिक आहे। ऐं ॿियो मूंखे मुंहिंजो दोस्त जानू अद महर इलाही यादि अचे थो हिते, जेको रिसेंटली शहीद थी वियो। सो मुंहिंजे लाइ इहे शख़्स सखर लाइ ज़ारा हिकिड़ो पुल आहे, उत्साह आहे। सखर अचिबो त जानू अद महर सां कचरियूं थींदियूं वेह बि, सो जो असांजे विच में कान्हे। त इहे ॿ ॾुख ज़रूरु आहिनि, बट लेट्स मूव ऑन विथ टुडेस कन्वर्सेशन। अॼु जी ॻाल्हि ॿोल दोस्तनि प्लान कई आहे त पाकिस्तान में म्यूज़िक एंड म्यूज़िक में कॉपी राइट्स, हुनजा हुकूक़, उन खां पोइ गॾो गॾु असां एनवायरमेंट ते ॻाल्हायूं। म्यूज़िक जे थ्रू कीअं समाज जी तब्दीली मुमकिन आहे, इन ते ॻाल्हायूं। पर पोइ असां सोचियोसीं तव्हां सुबुह खां वॾियूं ॻाल्हियूं त ॿुधो पिया, छो न कुझु ॻाए करे शुरू कजे। गिटार मां खणी आयो हुयुमि, अगरि हिते मूंखे गिटार ॾियनि। अच्छा, लॻे थो तव्हांखे हाणे ॿुधणो गाना घणा ॿुधणा आहिनि। अच्छा, हाणे गिटार ॾियूं था एहसन बारी खे, एंड मां ॻायां थो पियो तव्हांजे लाइ। अच्छा, हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो सॉन्ग ॿुधणु चाहींदो? तव्हां मां कुझु प्यार करणु घुरिजे कंहिंखे ॿुधो आहे। आदिरा, सुभाणे आदिरा जो ॻाईंदासीं हिते। इसको थोरा सा असांखां पहिरीं तमामु शानदार आर्टिस्ट हिते हुया, जिन प्यार जी ॻाल्हि कई। एंड सो हिकिड़ो गानो आहे असांजो, कुझु प्यार करणु घुरिजे, कुझु शेर लिखणु घुरिजे। पर अगरि तव्हां मां कंहिंखे यादि आहे त गॾिजी ॻाइजो, ठीकु आहे? ओके। सत जन बातियूं दरिया
जंगल में वनी घूम जे ऐ दिल जे तारियत की पल पखिन जहरा बेचैन हवा वांगो चंचल अखिन जहरा पल पल था उड़न जे पल पल ही उड़न घोर जे कुछ में घुरजे हाँ गाल बोल के अगर क्यों था आई प्रॉमिस विच में कुछ गाइंदा रहा सिर्फ गाल मुख्य भी नहीं हुआ अच्छा सैफ हम पिछले दो तीन दिन से जिस तरह से कॉन्वर्जेशन करते रहे हैं आई थिंक उतना ही इनफॉर्मल रखते हैं इसको पिछले तीन दिन हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहे हैं आई थिंक कॉपीराइट्स के बारे में बात करते रहे हैं फोक म्यूजिशंस का फोक म्यूजिक का क्या फ्यूचर है और जो हम देखते हैं सैफ यहाँ से मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि फोक म्यूजिक को और फोक म्यूजिशंस को इन रीसेंट टाइम्स भी जो है वो जो प्रेजेंट किया जाता है वो सिर्फ एक मतलब एक मॉडर्न पॉप गाने के अंदर आप एक फोक म्यूजिशियन को बिठाते हैं एक शो पीस की तरह कि ये एक शो पीस है ठीक है एक तो ये एस्पेक्ट है जो आप प्रेजेंट करते हो वैसे ही फोक म्यूजिक को और फिर जो हासिल उसूल है फोक म्यूजिशियन के पास वो क्या है यानी कि उसके पास तो जो ट्यून है वो तो सदियों से चली आ रही है जो वो गा रहा है ठीक है और वो उसको कंपोज करके कर रहा है उसी ट्यून को एक्सप्लॉइट करके दिस हैज बीन हैपनिंग आई थिंक वी विल टॉक अबाउट दिस इन लेंथ बट राइट नाउ आई वांट यू टू टॉक अबाउट दिस कि यार ये फोक म्यूजिक और फोक म्यूजिशियन की जो एक्सप्लॉयटेशन है व्हाट्स योर से अबाउट दिस थैंक यू वेरी मच एहसन इसका थोड़ा आवाज बढ़ सकता है हेलो सबनिन के आवाज अच्छे दो ओके अच्छा इलाही अहम टॉपिक है इन्हें जो इलाही सारा पासान उर्दू में बात करते हैं ताकि सब दोस्त समझ सकें पहली बात अगर मुझे कुछ लगता है कोई म्यूजिक एग्जिस्ट करती है अगर कोई म्यूजिक है तो वो फोक है और वो सच्ची म्यूजिक है वो धरती की म्यूजिक है और जब मैं गांव में जाता हूँ आजकल मैं नंगर पार कर कारूंजर बहुत वक्त गुजारता हूँ तो क्योंकि कारूंजर से मुझे बहुत प्यार है जब हम सुनते हैं उस कारूंजर को काटा जा रहा है तो वहाँ के शायर उस पर शायरियाँ लिखते हैं वो कहते हैं कि ये जो कारूंजर जो पहाड़ है ये आपके लिए एक पत्थर है पर हमारे लिए माँ है हमारा ये बाप है ये हमें पालता है हमारे जानवरों को पालता है और ये करेज में वहाँ के फोक फनकार के अंदर देखता हूँ जो कि ये उस करेज के साथ गा सकता है क्योंकि
वहां के लोग आर्टिस्ट का वो रिश्ता है वहां के साथ, और लोग के अंदर वो सारे एलिमेंट है, धरती से प्यार करने की, आसमानों से प्यार करने की, जानवरों से प्यार करने की, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फनकार बहुत बहुत डीप रूटेड है और उसको ये सारा इश्क धरती के साथ समझने के लिए, वजूद के समझने के लिए के किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें उन पर लिखी जाती हैं। अब आते हैं इससे थोड़ा आगे के फोक ट्यून्स हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसमें मैंने बहुत बात की है और ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब भी हम बैठते हैं कहीं भी बातचीत करते हैं तो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो फेस्टिवल्स हैं जहाँ बातचीत होती है, वो अभी तक इस बात को ठीक से नहीं समझ पाए, तभी हम दोबारा बात कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि नौजवानों के साथ दोबारा बात करें। हमारे इस रीजन के अंदर हमारी फोक ट्यून्स को लेकर एक्सप्लाइटेशन तो बहुत है। फर्स्ट करें, मैं आपको अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। हमें कोई 10 साल हो गए लाहौती मेलो करते हुए और हमने उसमें बहुत सारे फोक आर्टिस्ट आते हैं, प्ले करते हैं, फिर ज़ाहिर है उन फोक आर्टिस्ट से मिलते हैं। अब वो जो प्ले करते हैं तो उनमें फिर उनके उनको मेन स्ट्रीम के प्रोड्यूसर्स भी मिलते हैं, बड़े बड़े टीवी शोज के प्रोड्यूसर्स भी मिलते हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं। पर अमूमन उन आर्टिस्ट से जब बातचीत करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, ज़ाहिर उन्हें मज़ा आता है, उन्हें बड़ी स्टेज मिलती है, साउंड मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, बट वो सबसे जो बुरी चीज़ करते हैं, जो बेईमानी है, वो ये करते हैं कि वो उनसे वो गाने लिखवा लेते हैं कि भाई ये जो तुमने 3-4 गाने गाए हैं इसमें एक तो हम रिलीज कर रहे हैं, बाकी जो 2-3 गाने हैं ये हमारे हैं। अब सबसे अहम चीज़ ये है कि फोक गाने पे किसी की कोई मिल्कियत नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर किसी आज के भगत ने फकीर ने वो गाया तो आने वाली जनरेशन को हक है वो गाना वो गाएं, वो गाना आगे दोबारा गाया जाए। मिसाल किसी एक भगत को, किसी सूफी फकीर को एक ट्यून मिली जो कि वो नस्ल दर नस्ल गाए जा रहे हैं, पर अगर आज के किसी प्रोड्यूसर ने ये रंडक डाल दी कि अब तुम ये मुझे लिख के दे दो, तो इसने ये रास्ता रोक लिया इस धुन का कि आने वाले जनरेशन इसको ना गाए। गाए तो मुझसे परमिशन लेके गाए क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्ड लेबल है या मेरे पास एक टीवी शो है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है, इसके लिए और बातचीत होनी चाहिए। हमें अपने फोक आर्टिस्टों को या उस दरगाह के आर्टिस्टों को ये बताना चाहिए कि एक तो आपको ये धुन किसी को लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके इस तरह से लेगेसी से मालिक हो, इस लेगेसी के मालिक हो जैसे आपके बड़े थे। ये धुन आपने नहीं बनाई है, बहुत सारी धुनें हैं जो मेरे माबिदा परवीन ने गाई जो उससे पहले गाई हुई थी, बहुत सारी धुनें अलम फकीर ने गाई जो उससे पहले गाई गई थी, बहुत सी धुनें जो नुसरत फतेह अली खान ने गाई उससे गाई गई थी। अगर आज यहाँ पे बैठ के मैं कोई धुन गाऊं और फिर ये मैं कहूँ कि अब ये मेरी है क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, सेव कर लिया है, और मुझसे पहले वो इस तरह से रिकॉर्डेड नहीं थी, या रेडियो पाकिस्तान का ये मेरी है, या PTV का ये मेरी है, या कोई पाकिस्तान का रिकॉर्ड लेबल का ये मेरी है, तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है और ये बहुत बड़ी बेईमानी है उस फनकार के साथ, ना सिर्फ फनकार के साथ, हमारी उस लेगेसी के साथ। ये हमने खुद फेस किया है कि मैंने गाना गा लिया, फर्स्ट करें मैंने टिड़ी पंडा गा लिया, मुझे याद है हम केक फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे, उस पर मैंने टिड़ी पंडा गा लिया, हमें नोटिस मिल गया कि भाई ये तो हमारा गाना है, तो हमने तो कहा हमने तो इसको अलम फकीर से सुना है, ये आपका कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे एक प्रोग्राम में गा के गए थे। तो हमने कहा अगर वो आपके प्रोग्राम में गा के गए थे तो उस प्रोग्राम का ऑडियो, उस प्रोग्राम का वीडियो हुआ आपका, वो हम नहीं शेयर करते, पर ये धुन तो बहुत पुरानी है। और इंटरेस्टिंग बात है, टिड़ी बंदा टारियां अलम फकीर की भी धुन नहीं है, उससे पहले भी वो गाई जा चुकी है, वो इससे मशहूर हुई है। इससे ये पता चलता है कि जो धुन जो सॉन्ग जो गा ले और वो उससे मशहूर हो जाए तो वो उसका बन जाता है। तो ये इनजस्टिस है पाकिस्तान के इस रिकॉर्ड लेबल के अंदर, टीवी शोज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन है। और दूसरा आपका सवाल था उस आर्टिस्ट को एज एन आर्टिस्ट लेना या शोपीस की तरह उसको देखना। मैंने ये तजुर्बा किया है कि इनको हम प्यार मोहब्बत की बात जरूर करें, पर जब तक हम इन चीज़ों को निशानदेही नहीं करेंगे कि यार ये मसला है, मैं ये कहूँ कि हाँ तुमने मुझे चोट तो मारी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब इतना बड़ा मैं सूफी अभी बना नहीं हूँ, अगर कोई मुझे चोट मारेगा तो मैं याद रखूँगा, अब यहाँ तो मैं इतना संत सन्यासी बन जाऊँ कि मैं कहूँ कि यार मुझे तुमने चोट मारी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आप बोल रहे हो, अब ऐसा समाज है नहीं। तो ये है कि वो उन फनकारों को देखते हैं एज अ शो पीस कि भाई आप आइएगा हमारे प्रोग्राम में गाइएगा,
पर वो घाघरा जरूर पहन के आइएगा। वो पगड़ी पहनना बहुत जरूरी है, मतलब आवाज में इंटरेस्ट नहीं है, उस पगड़ी में है, उस घाघरे में है, उसमें उनका इंटरेस्ट है आउटफिट के अंदर। ये बताता है हमें कि अभी तक वो इतने डीप रूटेड इस समाज के साथ, इस कल्चर के साथ नहीं जुड़े हुए कि वो समझ सकें कि ये कपड़े, ये लिबास हमारी एक कल्चरल शनाख्त आइडेंटिटी तो है, पर हम इस तरह की आम शलवार कमीज पहन के भी बैठते हैं। यहाँ पे कितने लोग अजरक या पगड़ी पहन के आए, सब नॉर्मली यू नो आए हैं। तो हमें उन आर्टिस्टों को खास करके मेन स्ट्रीम के अंदर एज एन आर्टिस्ट ट्रीट करना चाहिए, उनकी आवाज़ से मतलब होनी चाहिए हमें। हमने देखा है, फर्ज करिए कि अगर आप किसी आर्टिस्ट का फ्यूजन आतिफ असलम के साथ करते हैं, अली जफर के साथ करते हैं, तो आप आतिफ असलम, अली जफर, सजाद अली, जो कि शानदार आर्टिस्ट हैं गाने में, आप उनको सात सात दिन, दस दस दिन, बीस बीस दिन देते हैं कि आप गाना प्रिपेयर करो। पर जब आप उनके साथ माई भाई को बिठाओगे, किसी अकबर खमीसो खान को बिठाओगे, उसको उसी दिन बुलाओगे क्योंकि बैठो बजाओ, तो क्या होगा? वो अपना क्रिएटिव इनपुट क्या देगा बेचारा? और फिर आप उसे कहोगे जो तुम्हें आता है वो गा दो, जो आता है वो गा दो। तो वो ना उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के अंदर गया कि ये धुने बनाते कैसे हैं, ये गानों को अरेंज करते कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो लाहौर कराची के स्टूडियो से निकल के वो सिंध पाकिस्तान पूरा घूमें, वो खैबर पख्तूनख्वा जाएं, वहाँ की म्यूज़िक सुने, वो बलूचिस्तान जाएं, वो सिंध जाएं, वो पंजाब के देही इलाकों में जाएं, यहाँ तक ये तो आरिफ लोहार, अलन फ़कीर, इस तरह के फनकार तो आ गए अपने बलबूते पे, यू नो मशहूर हो। यहाँ पे नसीर मिर्ज़ा साहब बैठे थे, इज़ अ सच एन एनसाइक्लोपीडिया, इस पर वो हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकते थे। सो आई थिंक पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है समझने की, और बहुत सारी धुनें जो वो गा रहे होते हैं वो हमारे पास सिंध के अंदर बहुत सारे भजन, बहुत सारे लोकगीत वहीं से निकली हुई होती हैं। जब हम यहाँ पे कोई मशहूर पॉपुलर धुन सुनते हैं जिनको प्रोक्लेम करते हैं उनकी है, और जब हम गाँव में जाते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये किसी न किसी फोक आर्टिस्ट के साथ मिल बैठ के और ये धुन उन्होंने ले ली है, और फिर वो अपने नाम पर वो जबान चेंज करके, लिरिक्स चेंज करके गा ली है। So I think this is injustice, ये बेईमानी है, ये नहीं होनी चाहिए। ये आपने अभी सैफ रैकेट लेबल की बात की है, तो आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से खुल के इस चीज़ के बारे में बात होगी, और हमने बात की इसके बारे में। एक रैकेट लेबल है पाकिस्तान का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हम सियासतदानों की और बाकी सबकी चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक चोरी ऐसी है जो तकरीबन पिछले 20-25 साल से कॉन्स्टेंट चल रही है और सबकी आंखों के सामने चल रही है। एक रैकेट लेबल है पाकिस्तान का, जो रैकेट लेबल वैसे है नहीं कहता है अपने आप को, क्योंकि वो कोई एल्बम शेल्बम से प्रोड्यूस करते नहीं है। उनका काम ये है कि जब कोई गाना चलता है, कोक स्टूडियो में कोई गाना आता है, रोयल हयात कोई गाना लेता है, जुल्फी कोई गाना लेता है, फोक गाना चाहे कोई भी गाना, वो जाते हैं उसके ऊपर पैसे वसूल करते हैं, वो कहते हैं कॉपीराइट क्लेम करते हैं कि ये हमारा गाना है। सवाल दो हैं कि एक तो क्या जैसे आपके साथ भी टीडी पावंद के केस में हुआ, डायरेक्टर को पैसे देने पड़े उस पार्टी को जिसका वो गाना था ही नहीं? नहीं, मैंने पैसे नहीं देने दिए थे उसको। ठीक है, ये वो आप थे, आपने नहीं देने दिए। रेकॉर्ड लेबल को फोन किया था कि यू कैन नॉट डू दिस, बट ये सैफ था, सैफ ने, यू नो सैफ, सैफ कैन डू दिस, ठीक है, बट 90% बंदा एक्सप्लॉइट हो रहा है। और पाकिस्तान का टॉप प्रोड्यूसर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके साथ मैंने ये बात की, मैंने कहा भाई आप पैसे देते हो इनको, आपने कभी पर्चा देखा है कि इनके पास है कोई पर्चा जिससे साबित होता हो? एक तो ये बात। दूसरा सवाल के क्योंकि मैं ये जानता हूं वो पैसा अपने हकदार तक नहीं पहुंचता, तो यानी कि एक कंपनी है जो पैसा ले रही है तमाम लोगों से जो वो गाना करते हैं, कोक करता है, लेकिन वो पैसा क्या उस फोक आर्टिस्ट तक पहुंचता है जिसकी वो रेंडिशन है, या फिर वो क्या है? इसके ऊपर थोड़ा बताएं कि वो जो सारा पैसा वो वसूल कर रहे हैं, ये तो स्कैम है। आई थिंक दिस इट्स अ बिग स्कैम। आई थिंक स्कैम ये दुरुस्त लफ्ज़ है, इसको मैं स्कैम ही कहना चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूँ। मैं लाउड एंड क्लियर सच बोल देता हूँ, अगर किसी का ज़ाती नुकसान ना हो तो मैं सच बोल देता हूँ या मैं चुप रहता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इन जनरली ये धंधा है, ये रेकॉर्ड लेबल्स, और रेकॉर्ड लेबल के साथ आप फिर वो टी वी शोज भी एड कर दीजिए, क्योंकि वो जिनसे पैसा लेते हैं उनको पैसा देने के लिए है, उनको पता है पेप्सी, नेस्कैफे, कोका कोला पैसे देंगे तो वो पैसे देते हैं, और वो पैसे दे के हम जैसे आर्टिस्ट को मजबूर और कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि ये उनको आदत डाल रहे हैं कि हाँ आप क्लेम डालो वो पैसा देते हैं,
और ऐसा भी होता है कि आपका YouTube या इस तरह के जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो गाना उतार भी देते हैं कि आपके किसी कोक स्टूडेंट ने या किसी ने गाना अपलोड किया जिसके पास भी राइट्स नहीं है, और उसके बाद क्योंकि वो कितनी रॉयल्टी देते हैं ये भी तो सवाल है, ये भी सवाल है। आप समझ रहे हैं, अगर पेप्सी कोका कोला किसी ने भी गाना किया हम पूछ लेते हैं उन्होंने फनकारों को कितने पैसे दिए, लाख रुपया दिया होगा, 2 लाख दिए होंगे, वो खुद उस पर अरबों कमा रहे होते हैं। तो ये तो इस तरह से है कि एक चोर ने चोरी की और वहां के एक बड़े चोर ने उसको कहा कि इस पे मेरा आके, ये मेरे आशीर्वाद के बगैर नहीं होगा, मैं इसको ऐसे देखता हूं। पर बात यह है कि एक्सप्लाइटेशन है, एक आर्टिस्ट का आप गाना लेते हो, आप उसे रिलीज करते हो, आपको उसकी रॉयल्टी सेट करनी चाहिए, और उस गाने का एक्चुअली मालिक वो आर्टिस्ट है अगर उसने ओरिजिनल कंपोज किया है तो। पर अगर वो फोक गाना है तो उसका वो आर्टिस्ट भी मालिक नहीं है, वो फिर लेगेसी है, कल्चरल लेगेसी है। तो ये मोनोपोली मैंने विटनेस की है, खुद फेस की है। एक बार लाहौती सेशन में एक आर्टिस्ट आई, उन्होंने नुसरत फतेह अली खान का गाना गा दिया लाइव, जैसे अब मैं बैठा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई अरिजीत का गाना गा दूं और फिर मेरे ऊपर केस कर दे वो कि तुमने मेरा गाना क्यों गाया, मैंने इसीलिए गाया मुझे अच्छा लगा। तो एक आर्टिस्ट ने गाना गा दिया और उन्होंने हमें नोटिसेस भेज दिए, और फिर काफी टाइम तक हमें उनको फेस करना पड़ा। फिर जब तक हमने उनको सीधा नहीं किया तब तक हमने उनको फेस किया। तो मैं इस पर लड़ता हूँ, मैं खुद को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं आई एम नॉट द वन जो कि इनजस्टिस हो और मैं चुप कर जाऊं, फिर वो मेरा दोस्त क्यों ना हो और फिर वो उनके साथ मेरे अपने रिलेशंस क्यों ना हो। तो ये हम आई थिंक द वे वी डू, एवरी आर्टिस्ट शुड डू। पर आर्टिस्ट कंप्रोमाइज जब कर लेता है वो कहता है मैं क्यों इस रेकॉर्ड लेबल के साथ खराब करूं, मैं क्यों किसी टीवी शो के साथ खराब करूं, क्योंकि कल को मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर अब सारे आर्टिस्टों ने तय कर लिया है कि ये कोक स्टूडियो में जाएंगे तो मशहूर होंगे वरना नहीं होंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। हमें याद है हम जब म्यूजिक किया करते थे, 22 साल हो गए म्यूजिक करते हुए, और आज आप लोग हमें सुन रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नया नया पॉपुलर हुआ, इतना प्यार मिलता है। 22 साल से म्यूजिक कर रहे हैं और हर बार प्यार सच्चा मिलता है। गेट से यहां तक आने में आधा घंटा लग जाता है, ये आपका प्यार है, ठीक है। तो इसका मतलब है टू क्रिएट स्पेस इन पीपल्स हार्ट, आपको इन टीवी शोज की अशद जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग ये कि आपका सच्चा सुर, सच्चा जज्बा, सच्ची बात, आप सच्चे दिल से काम करें, आप यू नो यू मेक योर वे, यू मेक योर म्यूजिक, एंड वंस यू डू यू हैव योर ओन जर्नी, आपकी मोहताजी कोई नहीं है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई पेप्सी, कोई कोका कोला, कोई नेस्कैफे, फिर ये आपके आर्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ग्रेटर ऑडियंस तक लेके जाते हैं। देन दिस हैपन, आप इनस्लेव अपने आप को नहीं करो, जो भी यहाँ पे म्यूजिशियंस हो। आई होप हम भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे हमने म्यूजिक नहीं पढ़ी थी, हमने भी लिटरेचर MBA यही कुछ पढ़ा था, बट इवेंचुअली आई एम इन टू म्यूजिक। बट टूडे एटलीस्ट आई नो कि मुझे म्यूजिक दिल से कैसे करना है और अपने म्यूजिक को मार्केट भी कैसे करना है, धंधे की तरह नहीं, इतना कि मैं आपका जज्बा, आपका दिल, आपका प्यार रिसीव कर सकूं, आपके लिए गा सकूं। और साथ साथ ये जिम्मेदारी भी कि जो धरती के हमारे पहाड़ हैं, दरियाएं हैं, झीलें हैं, इनजस्टिस है, हम अपनी म्यूजिक के थ्रू उस पर आवाज भी उठा सकें। इसके लिए मैं एक आज़ाद आर्टिस्ट हूँ, ना मैं किसी बेवरेज का मोहताज हूँ, ना मैं किसी रेकॉर्ड लेबल का मोहताज हूँ, बट आई एग्री टू यू ये स्कैम है। अच्छा सैफ, ये यहाँ हैं कोई लोग जो म्यूजिक बजाते हो, नए आर्टिस्ट, नए सिंगर्स कोई हैं? हाथ उठाएंगे, हैं कोई, नजर आ रहे हैं कोई? अरमान है, अरमान तुम अब मेन स्टेज पे परफॉर्म करो, शर्म करो। सैफ, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया रिसेंटली जब मैंने दोबारा स्केचेस का पार्ट बना और मैंने परफॉर्म करना। आई हैव बीन पार्ट ऑफ स्केचेस फॉर लास्ट 15-18 ईयर्स नाउ, 15-18 साल से हम साथ हैं और बहुत सारा म्यूजिक किया है। बट रिसेंटली मैंने एक बड़ी मैजिकल चीज देखी, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और कराची के अंदर हम जिस तरह के कॉन्सर्ट्स बजाते हैं उसमें हम कवर्स बजाते हैं ज्यादातर, ठीक है। और जब हम कवर्स बजाते हैं उसमें हम नुसरत फतेह अली खान का गाना बजा रहे हैं, एक तासुर कायम हो गया है कि ये जो यंगर जनरेशन है ये सिर्फ गुलगा पाड़ा शोर शराबा चाहती है, डिक्सिक करो, कवर बजाओ, कोई तो इनको सुकून मिलेगा और बस आप इनको खुश करो और चले जाओ। व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड आफ्टर रीजॉइनिंग स्केचेस दिस टाइम, आप एक गाना गा रहे थे जरूरी तो नहीं, और आप एक गाना गा रहे थे आधी रात, ठीक है। ये दोनों गाने बहुत स्लो पेस गाने हैं, तकरीबन 8 से 10 से 15 हजार का क्राउड था दोनों तीनों जगहों पे जहां पर हमने साथ बजाया।
मैं गिटार नहीं बजा रहा था, मैं सिर्फ खड़ा होकर वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, बिकॉज वो सारा क्राउड आपके साथ सिंक था और वो गाना गा रहा था, सब सुकून से बैठे हुए थे. एक बात तो ये गलत साबित हुई कि सिर्फ हुलगा पाड़ा दोगे तो ये क्राउड ट्यून होगा और वो सुनेगा. आपने दो चीजें की, एक तो उनको एक टेम डाउन किया, दूसरा ओरिजिनल म्यूजिक. आप 90% म्यूजिक ओरिजिनल बजाते हैं और जो 10% होता है वो फोक होता है. सो यू डोंट डू कवर्स, यू डू ओरिजिनल्स. अभी जो नया बच्चा है वो सिर्फ कवर्स के दायरे में फंस गया. अगर आप समझो कहां से लाए वो अपने अंदर इतना बिलीफ कि वो तोड़े अपने इस बैरियर को और अपनी ओरिजिनल ट्यून पे उसको भरोसा कैसे आएगा, ये कैसे होगा? मैं जस्ट टू एड, मैं कवर्स भी गाता हूँ और ये एक अजीब परसेप्शन है. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे 90% गाने ओरिजिनल हैं और कुछ 10% फोक हैं या कवर हैं, और ये सच है. लोगों ने हमारे ज्यादा कवर सुने हैं. फर्स्ट करी हमने निन्ना शेज अलन फकीर का गाया या हमने सवालियों ने खाली गाया, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है. वो गाने जो हमें अच्छे लगते हैं हम स्टेज पे गाते हैं. मैंने जगजीत सिंह को सुना है, मैंने आबदा परवीन को सुना है कवर गाते हुए, मैंने सनम आरवी को सुना है, मैंने बहुत से आर्टिस्टों को कवर गाते हुए सुना है, मैंने आतिफ असलम को सुना है, अरिजीत को, सब एक दूसरे के गाने कवर गाते हैं. जब हम ऑडियंस के सामने होते हैं तब हमें इस ऑडियंस को खुश रखना होता है. ये आए हैं टाइम निकाल के. अगर हम स्टेज पे जाके इनको बोर कर देंगे तो जाहिर इट इज़ नॉट गुड. तो इसीलिए चंद गाने ऐसे होते हैं जो ऑडियंस चाहती है कि हम गाएं, वो कवर होते हैं, हम गाते हैं. पर हाँ, जैसे आपने बात की कि हमारे स्लो गाने भी होते हैं जो कि जनता हमारे साथ गाती है, और मैंने देखा है कि बहुत से आर्टिस्टों को स्ट्रगल करनी पड़ती है जब वो स्लो गाने गाते हैं तो इतना सिंधी में उबास हुई नान पब्लिक चंद यार तेज गानों गाए. यस, व्हेन जब हम स्टेज पे होते हैं तो हम भले जरूरी तो ना ही गाएं, हम आधी रात गाएं, हम टिड़ी पांदा गाएं, हम कोई भी गाना गाते हैं, एक चीज तय होती है कि मैं आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कि मैं स्टेज पे म्यूजिक करूं या स्टूडियो में, करता दिल से हूं, इसके बीच में कोई और राय है ही नहीं. अगर मैं दिल से नहीं करूंगा ये कभी रिसीव नहीं करेंगे. सुना दें दो लाइन. मैं गाया तो ये गाल पूरी क्या बोगाया तो. सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल. ये जो नौजवान हैं, यू नो दे आर वेरी वल्नरेबल. ठीक है, हम चाहे जैसे हम ये हमसे प्यार करते हैं और हम ही उनसे उसी तरह से प्यार करें, उसी सच्चाई, उसी ऑनेस्टी से. अगर हम इनके साथ डिसऑनेस्टी करेंगे तो फिलहाल हो सकता है इनके अंदर वो चालाकी ना हो कि ये समझें कि मैंने इसके साथ डिसऑनेस्टी की है, पर ये बड़े होकर जरूर समझेंगे कि यार हमारे साथ इन्होंने की डिसऑनेस्टी थी. जब ये बड़े होंगे अभी ये दिल को रिसीव कर लेते हैं, जो हम दिल से कर रहे हैं, जो दिल से गा रहे हैं, जो दिल से बात कर रहे हैं, ये सब समझ रहे दिल से हो रही है, और इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. ये दिल का रिश्ता है. अब अगर हम स्लो गाना गाएं, ये गाएं हमारे साथ गाएंगे बिकॉज दे नो कि हम इनकी दिल की तार ही तो टच कर रहे हैं. अब हम एक स्लो गाना गा लेते हैं, सब गाएंगे. हाँ कम था क्यों पाने में के बगे सास जो था गाने पे सास ना आयो कहाँ सास आयो मना ता गाई दो गद हाँ ता सब गाए बुदायो तो ता असल में स्लो गाना भी क्यों गाई दो. ठीक है खेरा ता जगह सब बिठाओ सब इन सब गाएं एंड लेट्स मेक अ गुड वाइब. गानो ता जो फेवरेट आ शर्ता गड गाई ना रे अंधारी अजा
आधी रात अंधारी जागन तारा ख्वाब कुंवारी जागन तारा ख्वाब कुंवारी सुभाने सही तरह सब गाना गाइंदा सी दिस वाज टू विटनेस एक्चुअली दिस इज अ लव अफेयर ऑफ यू नो माय लव विद देम दिस इज अवर लव अफेयर सो वी सेलिब्रेट दिस लव अफेयर एक्चुअली यू नो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लविंग ईच अदर आई रिमेंबर पुठे साल जद असां उत्तर सिंध में धारेलन जो खबरूं पे ॿुधियूं सी राइट असा रोड में इवेंट कियो सी लाउते असा के कें चो तो बस 200-400 मानू इंदा परे आ पर जेतरी यूनिवर्सिटी री जेतरो कैंपस हो ओतरा ही प्यार कंदड़ आया राइट सो दिस इज अ लव अफेयर एक्चुअली वी हैव सिर्फ आपने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है एंड यू हैव आल्सो इंस्पायर्ड योर फ्रेंड्स लाइक माय सेल्फ आई एम रियली इंस्पायर्ड आपके पूरी जर्नी से एंड यू नो हम इतने टाइम से एंड ऑल दीज पीपल आई थिंक आप सब इंस्पायर हैं सैफ से राइट मेरी बड़ी ख्वाहिश है सैफ कि ये उसके सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है मेहनत आपकी बहुत मेहनत है मैंने खुद देखी अपनी आंखों से एक एक किस तरह आपने हार्डवर्क किया है सच्ची बात कही है अपना म्यूजिक किया है कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि मुझे कोक स्टूडियो में गाना मिल जाए या मुझे कोई फिल्म का गाना मिल जाए आपने कभी वो एम ही नहीं किया आपका मकसद ही आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑब्वियस है आपके म्यूजिक में और जो आप इवन एक ट्वीट भी करते हैं उसके अंदर भी आपकी इंटेंशन बहुत ऑब्वियस है वो क्लियर है मेरा इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह ऑफकोर्स यहाँ पर हजारों बच्चा मौजूद है और इनमें से भी कोई निकल कर आ सकता है ऐसा जो सैफ समय जो जितना ही यू नो इंटेंशन रखता है और फ्यूचर में ऑफकोर्स एक बड़ी आवाज़ बन के उभरे बट इसके लिए बहुत बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए टाइम कम है थोड़ा सा बताइए कि वो क्या पहलू हैं जो ये बच्चे सारे काम करें उसके ऊपर थोड़ा सा क्विकली अब वो आप इनमें से सारे यंग बच्चे वो म्यूजिशंस हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं आई मीन ये सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं बिजनेसमैन हैं डिज़ाइनर्स हैं पेंटर्स हैं आर्टिस्ट हैं म्यूजिशियन हैं यस आई थिंक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हमेशा याद रखिएगा
आप सेफ समय जो आपके लिए गाता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. He sings for you. You love him because of singing, right? But आपको सेफ समय जो नहीं बनना है ना, वो एक है. आपने आप बनना है, जो आप हैं, जो आप करना चाहते हैं. But one thing जो कि बहुत बहुत जरूरी है, that I feel वो स्पिरिट सब में होना चाहिए. जाहिर हम इंसान तो हैं, अब पूरी दुनिया ही हम इंसानों की है. जैसे जुमन दरबदर ने कहा है, हो जे यूरोप या लबना जिते मारे वे हो इंसान, उन मानू असंदे अरमान आए रत छाण में मिलबो मिठा मेहरान में मिलबो. तहां भले दुनिया जे कहे भी इंसानन लाए आवाज उथारियो, कहे हकन लाए, जिते भी मजलूम सा जुल्म थे, असा जे अंदर एतरो होजन खपे जो असो दर्द महसूस क्यों, पर पैंजी धरती के नथा वेसारे सकूं. पैंजी धरती जो इश्क, पैंजे मानू सा इश्क, यो तमाम जरूरी है. अगर मुखे लगंदो आ हिकड़ी शे जेकी मुखे मुझे अंदर लगंदी आ त भरल इलाही उहा, तो मुखे पैंजी धरती सा इलाही प्यार आ, मुखे पैंजी बोली सा इलाही प्यार आ, ए मुखे धरती जी पहाड़न सा, धरती जी नदियन सा, दरियान सा प्यार आ. इन दरियान में असा नंढे हूंदे गुल ॾींदा हुआसीं, दरिया के गुल ॾिना वेंदा, भेटा ॾिनी वेंदी. हाणे उन गटर जो पाणी छॾींदा आहिनि, उन दरिया खे पल्यूट करे चुका आहिनि. असांखे सोचणु खपे त असांजे वॾनि जेको दरिया असांखे ॾिनो सो साफ़ सुथिरो हुयो, उन में ॾीआ छॾिबा हुआ, उन सां प्यारु कबो, उन सां इज़त कबी हुई. वण कोन वॾो वेंदो हुयो, ई जेके वण में मुरादुनि जा धागा ॿधा वेंदा हुआ, इहा हिकिड़ी सूंहं हूंदी हुई. इन जो मतिलबु इहो कोन्हे वण तव्हांखे कुझु ॾेई ॾींदो, पर इन जो मतिलबु आहे हिकिड़ो रिश्तो आहे इन वण सां, इन दरिया सां हिकिड़ो रिश्तो आहे. तव्हांखे पाले थो, तव्हांखे छा ॾिए थो, को तव्हांखे फ्रूट ॾिए थो. इहे पहाड़ जिनखे हाणे वढियो पवंदे, मिसाल सां अरोड़ जो बि मिसाल खणो, हेॾी वॾी तहज़ीब, भले ते चार यूनिवर्सिटियूं पंजाह इस्पतालूं ठाहे छॾनि, पर तव्हांजी तहज़ीब त सॼी कटे छॾियूं. इहा त किथे बि ठही सघे पई यूनिवर्सिटी, इते ई छो, इते ई छो ठही. पथर कटियो वेंदो, पथर खपायो वेंदो, ठेकेदार आंदा वेंदा. जॾहिं इहो धंधो थींदो त पोइ तव्हांखे मुंहिंजे अंदरि इहा सुजाॻी हुजणु खपे, त भा तूं मूंखे किताब त ॾीं थो, पर केतिरा वण वठे पियो ॾीं, इहो सोचणो कबो. त असांखे पंहिंजी धरती सां, पंहिंजनि माण्हुनि सां बीहणो पवंदो. इहे दरिया, इहे नदियूं, इहे पहाड़, जीअं जो कारूं झर आहे, कारूं झर सां बीहणो पवंदो. उतां जे माण्हू जो जियापो सॼो उतां कारूं झर जे इकोसिस्टम सां आहे. उनजो जानवर उतां पलिजे, उतां मींहं उन कारूं झर जे करे थियनि, उनजे करे इकोलॉजी हुजे. असां सभिनीनि खे चवणु खपे त भाउ असां सभु दिली तरह पाकिस्तानी आहियूं ऐं असां पाकिस्तान जे हक़ में आहियूं, त तरक़ी करे. पर इहा कहिड़ी तरक़ी आहे त हिकिड़ो माण्हू घरों निकिरे, जीअं मवाली हूंदो आहे न नशाई, उहो खुटंदो आहे घर जा थाव खपाईंदो आहे. असां हिन रियासत खे कहिड़ो कहिड़े कहिड़े पंध ते पिया चयूं त भाउ तूं मवाली वांगुरु टपड़ खपाए, तूं पहाड़ खपाए, तूं दरिया खपाए. जॾहिं खपाईंदो त असां हाणे कुझु बि न बचंदो. असां ई माण्हू सुभाणे रियासत सो थींदासीं, फ़ौजी थींदासीं, पुलिस वारा थींदासीं, डॉक्टर थींदासीं. दिलि जे अंदरि इहो दर्द हुजणु खपे या अवेयरनेस हुजणु खपे त वाकई धरती माउ आहे, दरिया असांजी माउ आहे, सिंधु माउ आहे, इहे पहाड़ ई असांजी शनाख्त आहिनि. हर शइ विकिणी कोन था सघूं, हर शइ खाई कोन था सघूं पिया. ॿिया तरीक़ा कढूं. हिकिड़े माण्हू चांहि जी किटली आहे, उहा खपाए करे खीसे पैसा रखजनि, मां 400-500 कोप चांहि जा ठाहे करे पैसा खपाए. सोचणु खपे. सो तव्हांखे सेफ समय जो थियण जी ज़रूरत न आहे, पर इंसानियत सां प्यारु करण जी ज़रूरत आहे, फितरत सां प्यारु करण जी ज़रूरत आहे, हिननि वणनि सां प्यारु करण जी ज़रूरत आहे. हिन आईबीए यूनिवर्सिटी में केतिरा सारा वण आहिनि. सुबुह खां तव्हांखे हिते छांव में वेहंदा हूंदो, तव्हांखे मज़ो ईंदो हूंदो, पर इहे सभु वढिजी वेंदा त ही उहो न रहंदो. सो पंहिंजे पाण सां रिश्तो, फितरत सां रिश्तो इहो रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे. तव्हांजा सियासतदान, तव्हांजा लीडर, उन्हनि खां इहो सवालु कयो त तोखे वोट ॾियूं था प्यारा, पर मां न विढ़ंदमि, मुंहिंजे लाइ विढ़ंदे तूं. हिते थींदो इहो आहे एक्टिविज़म में, असां कंहिं शइ ते आवाज़ु उथारींदो, पोइ चवंदा आहिनि साईं पोइ तव्हां विढ़ो न वञे,
पूछता तो के चाहे लाए वोट नो जी तो के चो सी ना कर धरती जी रखवाली तू अच तू भी धंधो नहीं थी सो ये धंधा जो है ये रिकॉर्ड लेबल नहीं करते हैं ये सियासतदान भी करते हैं या पॉलिसी मेकर भी करते हैं तो ये जज्बो होजन डाढ़ो जरूरी आ तालीम सब पांदी जाते पढ़ाई लिखाई किताब सब ठीक आ वो है ना पढ़ पढ़े लिम ते फाजिल होया कभी अपने आप नू पढ़या नहीं पर पांजे पान के भी पढ़ो एंड पांजो सजो रिश्तो इन फितरत से है जैसे फितरत न होंगी दरिया जहर होंदा दरिया में मच्छी न होंगी वण होंदा कौन बेला पहाड़ होंदू कौन बाकी वो छा कंदा जी वही करे बाकी छा जे लाया सो असा असा इने जा ओए रखवा लऊ ते जी असा जे वण असा के धरती दिनी समाज दिनो इंदड़ इंदड़ बारन के असा दे सकौ उआ दुनिया जेमे घटे में घटके वण जी छा में ते वन को दरिया जो साफ पानी ते पियन गटर जो पानी ते न पियन एतरो ते करे सकौंदा पया सो ता जडे ऑफिसर थयो ता जेको भी थयो ता थी जो पर घट में घट पांजी धरती सा पांजन मानन सा पांजो प्यार पांजो इश्क कायम रख जो ये मिथोला थी डाडी खूबसूरत हुनी हो जेके हाने खत्म पे थन सो लव इट प्यार करन शन सा यो ता को पांजो पान सा प्यार सैफ यू आर एन इंस्पिरेशन यू आर एन आइकन क्या बोल रहा ता जो सब अजो बतो सुभान सा बतो चलो हाने गानों करे सेशन का टाइम अप है हमारा टाइम खत्म हो चुका है आप गाना बस एक सुना दे तो ताकि आखिरी गाना बजाऊं तो ठीक है ओके अच्छा एकड़ो कम क्यों एकड़ो मिनट न बल्कि पंज सेकंड चुप क्यों एकड़े मिनट में तो खत्म थी सेशन ही ऐसा शुरू क्यों था पाया मां ताले गया तो जरूरी तो ना है वाकई जरूरी ना है तो विछड़ी वजूं तो बहाना ठायूं वाकई जरूरी ना है सच गलायूं जिंदगी में छोकरा छोकरियों के पैसा मिलना वरना बगावतू करना पर ये भी मुमकिन आ तो सफर में को ताके छड़े वने तो ने के वजन जो मूसा यही थे मुँह हिकड़ो वड़ो इश्क क्यों तमाम वड़ा कदम क्यों तो वो छड़ी वही ली पर हुन तो मुझे समझ में आयो तो हिकड़ा तो रूह जा रिश्ता हुंदा हिकड़ा वरी दुनिया भी जहान भी हलणो आ उन जे मां लायक होयम कोन उन जे वा जिंदगी दई न सका उन टाइम ते नहीं वरी समझाई समझाउंदी आ ना के मानू में मुखे शक थींदो मुखे कावड़ ईंदी हुई अगर इन ही तबीयत सां सां जिंदगी गुजारिया तो बिन जी जिंदगी जहनम थी वञा अज मुखे एहसास थींदो आ त असां जेसां प्यार कयूं उन्हें शक न क्यों प्यार इन शक इन मालिकी इन पोजिशन का वो जैसा प्यार कब उन मालिक न दियो उन्हें आजाद करण आजाद होंद तो त्यार पर उनके डिजाय रख धमकी दींद कैद कौ तो मापी भी नजा यही कहना तीन नहीं जगह सो प्यार आए आजादी जैसी तां हुन सा प्यार कियो ता वो तां सा करे थी भई ए जेडी में लगे तो पंध नथो हले वो पांजे रस्ते ता पंजे रस्ते समाज के सुधारियो न समाज वडी बुराई आ जेडी में ता नालो छाए अमीर अली ता जा पांजा जडे ख्याल हुंदा न ता जा पांजा ता जडे समाज के चोंदा न मां हिय तो सोचा ता के अलग करे बियार छडींदा जेडी मल तां समाज सा समाज दी जुबान मिलाइनो तुना हा सही वाह मानु आ मुझे यार आ पक्का
तो समाज वो खौफनाक भी आ समाज में जितना गुल पोखे सकूं पोखूं बाकी आए रहो दुखियो सो जरूरी तो ना था क्यों पर आने गत्ता गाओ याद के 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 गया सारण लकोई फसानो बिघर जे जरूरी तना है जो सांझिया जेवेले ये जेवे छो उदासिया में वेही चपंते लिख जे तजाना हको का सवाल अधूरो महाया लिख जे तो मौके दिन शाम टाने शहर जी सदी के किनारे सितारों जी दिल के बुधाए बिछड़ जी जरूरी तना है जो पागल हवा का खिली कहे जी जुल्फ़ों जाहे वालवत जन जरूरी सुभाने भी गदा हूं इलाही सुठो लगो है ना दोस्त सिर्फ मूसा गला माता के नो तारीफ दी वाला
एसएन बारी एक तमाम शानदार म्यूजिशियन आ तमाम पुराने म्यूजिशियन आ असन जेके भी पुराना दा गीत बजा हुंदा निंड नशे विच इश्क दा कलमा वो सब एसएन बारी प्रोड्यूस किया हुआ सो इन दोस्त जो तारी बजाओ